कि भारतीय जनता पार्टी इस मॉब लिंचिंग के माध्यम से 2024 के चुनाव की तैयारी के क्रम में इस मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया है। वो आरएसएस के कार्यकर्ता सुशील सिंह के द्वारा प्री प्लान्ड रूप से जो है मॉब लिंचिंग के रंग देकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। ये पुलिस की तो आदत बन चुकी है, जो मनुवादी विचारधारा के पदाधिकारी हैं और रसूलपुर थाना के भी पदाधिकारी मनुवादी विचारधारा के हैं, पुलिस अगर 9 बजे 10 बजे वो आदमी थाना पर पहुंचता है, लेकर जाती है पुलिस, और 6 बजे शाम में उसकी मौत होती है, इस बीच में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया होता तो आदमी की डेथ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की जवाबदारी पुलिस को थी, क्योंकि पुलिस के थाने पर पुलिस लेके गई थी, तो पुलिस इनिशिएटिव नहीं ली जिसके चलते उनकी मौत हुई है। हम लोग जवाब देंगे। कल हमारे माइनॉरिटी के लीडर हैं, प्रदेश से आए हुए हैं, साथी अहमद अली, पूरे बिहार के अंदर इस घटना को लेकर मैं बता दूं, पूरे बिहार के अंदर CPIM के जो माइनॉरिटी सेल के लोग हैं सभी जिला मुख्यालयों पर कल प्रदर्शन कर रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटना के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान की टीम इस वक्त सिवान जिले के हसनपुरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 16 में उपस्थित है। 7 मार्च को मॉब लिंचिंग के तहत नसीब कुरैशी की जो है हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद से जो है नसीब कुरैशी के घर पे नसीब कुरैशी के परिवार से मिलने के लिए लगातार जो है नेताओं का तांता लगा हुआ है, लगातार नेता आ रहे हैं और नसीब कुरैशी के परिवार को जो है सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है बिहार सरकार की तरफ से किसी तरह का जो है मुआवजा नसीब कुरैशी के परिवार को नहीं दिया गया है। 7 मार्च को मॉब लिंचिंग के तहत नसीब कुरैशी की जो है हत्या हो गई थी, और लगातार जो है राजनेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नसीब कुरैशी के परिवार को बिहार सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नसीब कुरैशी की मॉब लिंचिंग में जो हत्या हुई है, हमारा महागठबंधन और CPIM का स्पष्ट मानना है कि ये RSS प्रायोजित जो है घटना है, और इस घटना को अंजाम देने के लिए एक प्री प्लान जो हम लोगों ने स्टडीज किया है वो RSS के कार्यकर्ता सुशील सिंह के द्वारा प्री प्लान रूप से जो है मॉब लिंचिंग के रंग देकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले हम बतौर महागठबंधन के तरफ से इस हत्या के कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और पुलिस प्रशासन से जो है ये आग्रह भी करते हैं कि इस केस को एस्टेबल करने के लिए जो साक्ष्य है उस साक्ष्य को मजबूती से जो है अपने एविडेंस डायरी में कलेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है कि भारतीय जनता पार्टी इस मॉब लिंचिंग के माध्यम से 2024 के चुनाव की तैयारी के क्रम में इस मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया है। और राज्य सरकार से भी हम बात करेंगे, कल से हमारा सदन है, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से, डिप्टी CM से, ये BJP के जो प्लानिंग्स है बिहार के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम देने का, इसकी कमर को कैसे तोड़े, इस पर हम कल मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे। और हम समझते हैं कि ये बिहार है, ये बिहार महागठबंधन की यहाँ सरकार चल रही है, और RSS और BJP को अपनी राजनीतिक एजेंडे के तहत किसी गरीब को मॉब लिंचिंग के अंदर मारने का जो उसका षड्यंत्र प्रयास है वो बिहार के अंदर अब चलने हम लोग नहीं देंगे। RSS और BJP के कमर को तोड़ कर रख देंगे। जहाँ तक उनकी हत्या हुई है और उनके पीछे जो विवश लाचार परिवार है, चूंकि ये मॉब लिंचिंग की घटना है, तो राज्य सरकार को इस जिम्मेवारी को लेना पड़ेगा, और हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये विकास के साथ न्याय की सरकार है, तो इनके परिजनों के साथ भी न्याय होना चाहिए। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि नसीम कुरैशी को परिजनों को 20 लाख मुआवजा दिया जाए और उनके परिजन के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, ये बात की मांग भी करते हैं। और हरिशंकर बाबू हमारे सीनियर विधायक हैं, गार्जियन हैं, हम लोग कल सदन चलेगा और सदन के बाहर अंदर इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे
और कोशिश करेंगे कि ये मुआवजा दे और राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, परिवार को संतावना दे, ये हमारा प्रयास होगा। और CPIM महागठबंधन जिस बेस पर खड़ी है वो बेस है सेकुलर ताकतों की एकता, और सेकुलर ताकतों की एकता जो है भारतीय जनता पार्टी RSS के मंसूबे को इस देश के अंदर नहीं चलने देगा। और सिवान और छपरा से जुड़ा हुआ बॉर्डरिंग का इलाका है, ये घटना हुई है, बड़ी षड्यंत्रपूर्ण दोनों जिला को अशांत करने की कोशिश की गई है, छपरा और सिवान को भी अशांत करने की कोशिश की गई है, ये अशांत करने की कोशिश का हम लोग जवाब देंगे। कल हमारे माइनॉरिटी के लीडर हैं, प्रदेश से आए हुए हैं साथी अहमद अली, पूरे बिहार के अंदर इस घटना को लेकर मैं बता दूं, पूरे बिहार के अंदर CPIM के जो माइनॉरिटी सेल के लोग हैं सभी जिला मुख्यालयों पर कल प्रदर्शन कर रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटना के खिलाफ, तो ये अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन के साथी एकजुटता के साथ खड़े हैं। एक और सवाल है कि परिवार वालों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिस दिन मॉब लिंचिंग हुआ था, जिस दिन हत्या हुई थी, उस दिन पुलिस की तरफ से जो है इनको सहयोग नहीं मिल रहा था, पुलिस की तरफ से डांट कर जो है थाने से भगा दिया गया था। ये पुलिस की तो आदत बन चुकी है, जो मनुवादी विचारधारा के पदाधिकारी हैं और रसूलपुर थाना के भी पदाधिकारी मनुवादी विचारधारा के हैं, इस घटना के सुनने और अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष है इसमें लीपापोती करने का प्रयास हुए हैं और जारी है। अगर पुलिस, घटना छपरा जिला रसूलपुर की है, अगर पुलिस तत्पर होती तो बगल में 5 किलोमीटर दूरी पर अस्पताल था, प्राइमरी ट्रीटमेंट उनका होता और प्राइवेट अस्पताल में उनको भर्ती करके पुलिस इलाज करती तो नसीब कुरैशी की मौत नहीं होती। कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टाए पुलिस की फेलियरिटी है और ये मनुवादी विचारधारा के तहत जो है इस मामला को दबाने के लिए सिवान के दुरौंदा हॉस्पिटल में इसको भेज दिया गया, ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। इस जिम्मेवारी को पुलिस को लेना पड़ेगा और पुलिस जो है कहीं ना कहीं इसमें विफल रही है, हम इस बात को मानते हैं। कल जो प्रदर्शन होंगे माइनॉरिटी का, ये इशू जो है बिहार के अंदर उठेंगे, कल हम लोग SP से भी बातचीत करेंगे इस मामले। सर एक और क्वेश्चन है कि क्या माजी विधायक को लगता है कि पुलिस की गलती की वजह से नसीब कुरैशी जो है अपना जान गंवा दिए हैं? बिल्कुल, पुलिस अगर 9 बजे 10 बजे वो आदमी थाना पर पहुँचता है, लेके जाती है पुलिस, और 6 बजे शाम में उसकी मौत होती है, इस बीच में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया होता तो आदमी की डेथ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की जवाबदारी पुलिस को थी, क्योंकि पुलिस के थाने पर पुलिस लेके गई थी, तो पुलिस इनिशिएटिव नहीं ली जिसके चलते उनकी मौत हुई है।